मुस्तकिल मिजाजी कैसे आई, ये कंसिस्टेंसी कैसे आई, ये इस्तकलाल कैसे आएगा, ये कैसे मैं रोज करूं, कैसे मैं रोज करूं, रोज कैसे कैसे करूं, रोज क्यों कपड़े सही पहनूं, रोज कैसे चेहरे पे मुस्कुराहट लाऊं, आपके दर्द तो गर्म कर देते हैं, रोज गर्म कैसे करूं अपने, रोज कैसे मुस्तकीम रहूं, रोज कैसे इस्तकामत इख्तियार करूं, रोज कैसे अपने मसल्स को ठीक करूं, रोज कैसे वेट उठाऊं, रोज खाना खाने में परहेज करूं, रोज उसी रूटीन और डिसिप्लिन के साथ आऊं। तो जवाब हमारा यही है मेरे भाई, नियत। नियत फासिद होगी, अमल मुस्तकिल नहीं हो सकेगा। नियत अगर शोबतेबाज होगी, अमल मुस्तकिल नहीं होगा। नियत अगर धोखेबाज होगी, अमल मुस्तकिल नहीं हो सकेगा। नियत अगर मुतकब्बिर होगी, अमल मुस्तकिल नहीं हो सकेगा। नियत अगर मुतसाहिल बनी इसराइल वाली होगी, तो भी मुस्तकिल अमल नहीं कर सकेगा। नियत अगर मसनूई होगी, तो भी अमल मुस्तकिल नहीं होगा। इल्म अगर फासिद होगा, तो भी अमल मुस्तकिल नहीं होगा। दुश्मनियों और नुकसानात का इदराकात नहीं होगा, तब भी अमल मुस्तकिल नहीं होगा। मन मकसद दात से बड़ा हो गया, तो मुस्तकिल हो सकता है। दात मकसद से बड़ी हो गई, बेच देगा, बिक जाएगा कहीं ना कहीं जाके, लोग मिले मगर बिक गए वो, क्योंकि नीयत को बिकना लाजिम था। नीयत बिक गई है, असल में लोग नहीं बिकते, नीयत बिक जाती है। नीयत बिक गई, थोड़ी सी तरक्की मिलेगी, लोग आएंगे कीमत लगाने आपकी। हाँ भाई चलो, अब तुम 5-10 करोड़ के आदमी हो, कीमत बोलो, खरीदने आएंगे लोग आपकी आवाज। शेख आतिफ को भी खरीदने आते हैं लोग, कीमत बोले शेख साहब अपनी, थोड़ा सा जरा बातों को आपने फिर यूं करना है। हमारे गले की भी कीमत लगाते हैं लोग। बहुत नियत में दम चाहिए, ऐसी ऐसी ऑफर आएंगे, फिर शैतान कभी कुछ और चीजें भेज देगा आपकी तरफ। ऑफर नहीं भेजेगा, कोई और फितने भेजेगा। तो नियत थी, कुछ लोगों का इश्क नाकाम होता है, उन्हें बड़े बड़े काम करने की पड़ जाती है। कुछ लोगों की मोहब्बतें नाकाम होती हैं, दिल ठुकरा दिए जाते हैं, वो आ जाते हैं इंकलाब के रस्ते। ठीक है, शुरुआत के लिहाज से सही उसूल होते हैं जो एक इमाम खड़ा करता है फील्ड, उसूल नहीं। तो जैसे जज्बातों का तनाव कम हुआ, नियत फिर फासिद, अमल फिर गैर मुस्तक। एक वक्त आएगा आपको सपोर्ट ही नहीं आएगी। आज अल्लाह के करम से पूरा मुल्क 100-100, 200-200, 300-300, 1000-1000 रिक्वेस्ट हैं। पाकिस्तान के शहर नहीं मुझे पता जहां जहां से अल्लाह बुलाता है। मुझे वो वक्त याद है जब मैं खुद लेक्चर मांगने जाता था, कभी वो वक्त देखा है मैंने। और एक जगह पर मेरा इतनी मेरी स्ट्रॉन्ग मेरी बिजनेस फैमिली से मेरा ताल्लुक, दूसरा मेरी बाहर की तालीम, तीसरा मेरा ससुराल मौलवियों का, रोपड़ी खानदान में मेरी शादी हो गई। अब्दुल्ला मोहतिस रोपड़ी की पोती है हमारी अहलिया, उनके खानदान से। तो इतना इल्मी शजरा भी मिला मुझे। उसके बाद भी मैं यूनिवर्सिटियों में जब खुद मतलब जो मैं बनाना चाहता था ना उस पर, अगर रिवायती मौलवी बनता तो मैं तो हूं ही मदरसे की खेप, मैं तो वही पढ़ाना चाहता हूँ। उसूल फिका, उसूल हदीस, अकीदा, नाव सर मानी मंतिक बयान फलसफा, ये तो वही पढ़ाना है। और अगर टोटल अंग्रेजों के आगे बिकना था तो फिर क्या फायदा है इसका। जो सल्तनत हम बनाना चाहते थे दो दुनिया के इम्तिजाज का, उसका कोई खरीदार ही नहीं था। वो तन्हाई मुझे याद है कि एक स्कूल ने मुझे जब बाहर निकाला था, मुझे वो औकात नहीं मैं अपनी भूलता, वो मुझे वक्त याद है कि जब मुझे स्कूल ने बाहर निकाल दिया, मुझे उन्होंने कहा भाई जा चल जा। नियत लोग मिले मगर नियत ना मिली। और नियत अगर थी, आज जितने भी शाहकार इस महफिल में बैठे हैं वो नियतें थी जो ले आई। आखिरी बात, बल इंसान को मां के पेट से बल नहीं आता, टिड्डों बल नहीं लेके आंदा बंदा, बल किसी को नहीं आता। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैया,
अल्लाह कहता है तुझे माँ के पेट से बगैर इल्म के निकाला, और शैया नकरा है, नफी के सियाक में है, उमूम पर नस है। थोड़ी जरा मदरसों वाली बात हो गई है कि माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता, कुछ नहीं आता माँ के पेट से। कोरा वजाल लकुम समा वल अबसार आक कान तनु तैसी, ताकि तू इनपुट ले और डेवलप करे अपने। तो ये कहना कि मैं डिग्री हासिल कर लूं, मैं ग्रेजुएट हो जाऊं, मैं ये पढ़ लूं, मैं वो कर लूं, मैं फलां कर लूं, नीयत नीयत खालिस होना इंसान की, और नीयत मर्दों वाली और शेरों वाली नीयत। कलेजा बड़ा हो एक आदमी की, उसने जंगे ली हुई, सोच में बड़ा हो अपने। लोग कहते हैं की बड़ी बड़ी गल्ला करता, अब बड़ी बात करूंगा तो बड़े मैदान मारूंगा ना। हमारे लोगों की बातें छोटी हो गई है, छोटी बात करने लग गए लोग। बड़ा ख्वाब देखे इंसान, क्या मसला, ये पहाड़ मेरा है, ये मैं गिराऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से बेइज़्निल्लाह, तकब्बुर ना हो। तो वो नीयत, नीयत पर मेहनत के कोई एकेडमी नहीं है पाकिस्तान में, वो नीयत। कोई आप बताएं जी, चार साल का बैचलर दो नीयत की रिकंस्ट्रक्शन, कोई एक डिग्री नहीं मिलेगी आपको नीयत की रिफॉर्मेशन पे, कोई स्कूल ही नहीं मिलेगा। ये साइकोलॉजी का शायद सब्जेक्ट हो। नीयत तो हमारे 1400 साल से बाबे करते हैं, नीयत कैसे बनाई जाती है एक इंसान, नीयत में किस तरह वो बारूद डाला जाता है कि जब उसके हाथ भी कट रहे हो तो वो कह रहा हो अहद 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 अहद। ये नींद की नबी ने मक्के में नींद तैयार की। I'm done, जा रहा हूं। नियतों के अंदर जन्नत जहन्नम अल्लाह के नबी ने उतारी है। 86 सूरतें मक्के में नाजिल हुई, SOPs नहीं आए। ये आले इमरान, ये सूरह निसा, ये बकरा, ये सब मदीने की अंदर है। मक्की दौर में माइंड तैयार किया, माइंड क्या माइंड तैयार किए हैं कि कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरा, कि कितने ही छोटे फलसफे होते, कितनी ही छोटी तंजीमें होती, कितनी ही छोटी औकात के लोग होते हैं बड़ी बड़ी सल्तनतों पे गालिब कर देता है। कैसे? नियत। अल्लाह से बड़ा मांग, बड़ी चीज मांग, फिर उस बड़ी चीज को सहने के लिए बड़ा दिल जिगर मांग। अल्लाह ये जितनी बड़ी सल्तनत होगी तीरों के रुख भी उतने सख्त होंगे तेरी तरफ। वो जिंदगी ही क्या जिसे दुश्मन नसीब ना हो, और वो जिंदगी ही क्या जिसे सारे ही दोस्त नसीब हो। दोनों ही जिंदगियां फजूल जिंदगियां। जिंदगी वो जिसमें इब्तिदा में दुश्मनियां थी और इंतहा में दोस्तियां बन गई, क्योंकि सीने बहुत बड़े थे उन लोग, अरबों के सीने बहुत बड़े थे। वो सीने थे जो उन्होंने फारस के कैसर किसरा के महलों के अंदर वो सीने पेश। तो ये काम शिराजी भाई, लास्ट नोट, बड़े बड़े काम लोग कहते हैं बंदे ने काम किए, नहीं, काम सीने ढूंढता है, काम सीने तलाश करता है, अंदर जाता है काम, इल्म, काम, ख्वाब सीने देखता है, गैरत देखता है उस सीने की, और अगर उसे समझ में आ जाए तो फिर बैठ जाता है। सीना काम तलाश नहीं करता, काम सीने तलाश करता है। कई सुनी बात में जो गलतियां थी वो सब मेरी थी, जो हक था कल भी अल्लाह का था, अल्लाह के लोगों का था। अल्लाह आपके